ऑल सो वेलकम टू योर ऑन चैनल मार्केट स्टडी। तो आज हम देखेंगे कि IRCTC का जो स्टॉक है वो किस तरीके से जो है एक ब्रेकआउट देने के लिए खड़ा हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये किस लेवल पर जो है ब्रेकआउट दे रहा है और एक मंथली टाइम फ्रेम में ये किस तरीके से एक डब्ल्यू शेप का पैटर्न बना रहा है। लेकिन उससे पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज से आपको बताया जा रहा है। हम किसी भी प्रकार का स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते हैं। तो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर IRCTC का अगर मैं यहाँ पर चार्ट देखूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो लेवल इसके दिख रहे हैं ये जो है काफ़ी समय से जो है इसी जो है एक चैनल में जो है ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे कि अब जो है स्टॉक जो है ब्रेकआउट देने के लिए खड़ा है, जहाँ पर हमें वेट करना होगा एक हाई वॉल्यूम का। अगर यहाँ पर हाई वॉल्यूम देख के अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से जो है यह इसके नेक्स्ट लेवल जो है 920 तक जो है जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। तो इस स्टॉक को बिल्कुल आपकी रडार पर रखिए, बिल्कुल आपकी वॉच लिस्ट पर इसको ऐड करिए। आप अगर इस चार्ट का पैटर्न भी अगर देखते हैं तो ये यहाँ पे जो इसका 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज वाली जो ब्लू कलर वाली जो लाइन दिख रही है आपको यहाँ पर, ये इसका सपोर्ट लेकर यहाँ से बैक बाउंस करता है। तो सिमिलरली अगर ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट होता है और अगर इस लेवल पर भी आता है, इसके लगभग अप्रॉक्स जो है 693 के लेवल पर भी आता है, तो डेफिनेटली यहाँ से बिल्कुल बैक बाउंस करेगा इन केस अगर ये अगर रिसेंटली ब्रेकआउट नहीं देता है तो। और इसके अलावा अगर हम इसको मंथली चार्ट पर अगर देखें तो मंथली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यह इस शेप में एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। जो डब्ल्यू पैटर्न जो है इसकी जो नेक लाइन हमको दिख रही है वो 780 की दिख रही है। अगर ये नेक लाइन यहाँ से अगर ब्रेकआउट होती है, जो कि हम जो है डेली टाइम फ्रेम में जिसकी बात कर रहे थे, अगर ये ब्रेकआउट होती है तो 920 के लेवल आपको ईजिली आते हुए दिखेंगे। तो होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।